दोस्तों पिंकी दीदी जा रही हैं मुझे ही और मझली बुआ जी जा रही हैं। दोस्तों बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है कि हमारे छोटे मौसा जी इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सपायर हो गए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों ये देखिए अंकित भाई और अंकित भाई के दोस्त जा रहे हैं घर। और दोस्तों देखिए अनूप छोटे भैया मोबाइल चला रहे हैं, अंकित भाई गए घर और अनूप छोटे भैया आपस में बात कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए आंगन में सभी लोग हैं, माता जी बाबू को मिस रही हैं, दृष्टि बैठी है, दादी खाना खा रही हैं और मझली बुआ जी हैं और इधर प्रिंस बाबू हैं और उधर देखिए दीदी हैं और छोटी बुआ जी, बड़ी बुआ जी कुछ बातें कर रही हैं। और दोस्तों देखिए मनसा भाभी जा रही हैं, तो सभी लोग विदाई में लगे हुए हैं, सभी लोग इनका विदाई कर रहे हैं। और देखिए इधर बड़े भैया हैं, सभी लोग आंगन में खड़े हैं। और दोस्तों देखिए प्रिंस गाड़ी निकाल दिए हैं, प्रिंस और मनसा भाभी जी जा रही हैं घर के लिए, बड़ी बुआ जी जाएंगी दो तीन दिन के बाद। तो देखिए इनकी पतोह और नाती जा रहे हैं, तो चलिए देखिए सभी लोग विदा कर रहे हैं भाभी जी को। देखिए पिताजी भी हैं, सभी लोग आए हैं घर से बाहर। और दोस्तों प्रिंस भाभी निकल गए घर के लिए। और दोस्तों ये देखिए भाभी जी, बाबू और दृष्टि, और देखिए फिर पिताजी छोटे भैया आंगन में खड़े हैं। और इधर क्या हो रहा है भाई, देखिए क्या कर रहे हैं। ओहो दी। और दोस्तों ये देखिए अनूप क्या कर रहा है अकेले। खाली अंगूर लड्डू बा, सेव खत्म हो गई। और इधर बड़े भैया छत पे टहल रहे हैं, देखिए हाँ तो बेरा हो गिल बा, कटवाए के बेरा हो गिल बा। और देखिए नाश्ता में लड्डू है, अंगूर है, सेव भी था तो सेव खा लिए हैं। दोस्तों पिंकी दीदी जा रही हैं मुझे ही, तो जा रहे हैं दीदी को छोड़ने मेन रोड पे, वहाँ ऑटो पकड़ा देंगे और वहाँ से चली जाएंगी सिकंदरपुर और सिकंदरपुर से चली जाएंगी लखना पार और वहाँ से किसी को बुला लेंगी, बाइक के लिए करा जाएगा कोई, उसके बाद चली जाएंगी घर पे मुझे ही। और मझली बुआ जी जा रही हैं, उनको छोड़ने जा रहे हैं छोटे भैया, तो चलिए चलते हैं। मेन रोड पर आ गए हैं दीदी को लेकर। दोस्तों ऑटो मिल गया, दीदी को ऑटो बैठा रहे हैं। हेलो हेलो ला, प्रणाम दीदी। दोस्तों दीदी गई और दोस्तों छोटे भैया और मझली बुआ जी आ गई, तो ये भी जा रहे हैं भैया छोड़ने मझली बुआ जी को, घर जाएंगे छोड़ने इनको। प्रणाम बुआ, कब तक आएंगे भैया, आएंगे ना? ठीक है चलिए निकल लो, जा लो। दोस्तों भैया ले जा रहे हैं बुआ जी को, तो दोस्तों चले चलते हैं घर। दोस्तों घर आ गए, दोस्तों बर्तन धो धा के रेडी है, तो चलिए इसको पहुंचाते हैं। दोस्तों बर्तन पहुंचा दिए और दोस्तों छोटी बुआ जी और बड़ी बुआ जी दोनों बुआ जी रुकेंगी दो तीन दिन। दोस्तों बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है कि हमारे छोटे मौसा जी इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सपायर हो गए हैं। तो जा रहे हैं हम लोग
पिताजी और हम और माताजी जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से डायरेक्ट मिलेंगे हम गाजीपुर मौसी जी के घर। तो फटाफट हम लोग निकलते हैं यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हम लोग को अभी सूचना मिला, मौसी जी का लड़का फ़ोन किया था गौरव, अभी जस्ट फ़ोन किया तो हम लोग सूचना मिला, तो हम लोग जस्ट अब निकल रहे हैं। तो चलिए आप लोग से डायरेक्ट गाजीपुर मिलते हैं। दोस्तों आ गए हैं मौसी जी के घर, देखिए सामने प्रिंस भैया हैं और उस साइड गल्लू है मामा जी के लड़का, और देखिए सामने मौसी जी का घर दिखाई दे रहा है। दोस्तों जितने हम लोग के रिश्तेदार हैं सभी लोग आ गए हैं। देखिए प्रिंस भैया के साइड में सुदीश भैया हैं गाड़ी पर बैठे हैं, और इधर श्याम सुंदर भैया हैं, और इधर प्रियंका दीदी के हस्बैंड हैं, सुनैना दीदी के हस्बैंड हैं, और बिहारी भैया हैं। देखिए बिहारी भैया हैं जो ब्लू कलर का जैकेट पहने हैं, और सबसे लास्ट में श्याम सुंदर भैया हैं जो सिर के पास हाथ रखे हैं, और जो बीच में दोनों लोग हैं वो लोग जीजा जी हैं। दोस्तों सभी लोग अपसेट हैं और सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। और दोस्तों ये देखिए हैं हमारे बड़े मामा जी श्याम सुंदर भैया के बाबूजी, और देखिए इधर सुदीश भैया। दोस्तों लग रहा है मामा जी कुछ कह रहे हैं जाने के लिए, और दोस्तों देखिए घर का सफैया हो रहा है। दोस्तों मौसा जी का माटी लेकर चले गए हैं गाजीपुर, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा। दोस्तों हम लोग आने में लेट हो गया तो लोग चले गए, दोस्तों हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर है गाजीपुर। दोस्तों गंगा घाट ले गए हैं, वहीं पे मसान घाट है, तो वहीं पे मौसा जी का अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो दोस्तों हम नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। दोस्तों आज नहीं जाना है, आज रुकना है यहीं पे, आज यहीं पे रुकेंगे, कल जाएंगे। तो खेत आए थे फ्रेश होने के लिए, घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए आ गए थे खेत पे। दोस्तों शाम हो गया है, अंधेरा होने वाला है, और वो लोग गंगा घाट से नहीं आए हैं, उन लोग आने में रात हो जाएगा। और दोस्तों मूड ठीक नहीं है और सिर भी दर्द कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया है। रात हो जाएगा तो वीडियो बना नहीं पाएंगे, ब्लॉग कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सबको दिल से प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय, आई लव यू।